अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शब्बीर अली। आज मैं आपको लेकर आया हूँ आरडी कैटल फार्म और मेरे साथ हैं आतिक भाई। अस्सलाम वालेकुम आतिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये वीडियो आज मैं आतिक भाई के लिए कर रहा हूँ। ये वीडियो आतिक भाई के चैनल में जाने वाला है जी, क्योंकि आतिक भाई का थोड़ा आवाज बैठा हुआ है, इसलिए उनके रिकमेंडेशन पे मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। चलिए आतिक भाई, आज मैं एक पंजाब ब्रीड की गाय दिखाने वाला हूँ जो कि काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे फ्रेम में है। आप पहले बैठे हुए भी दिखा दें, फिर इंशाल्लाह मैं इसको उठाकर भी दिखा रहा हूँ। आप एक बार क्लोजली जो है इसका पूर्ण दिखाएं आतिक भाई, देखिए काबिले तारीफ है। इनमें से यहाँ पे जितने भी जानवर हमने देखा किसी का भी इतना बड़ा पूट नहीं है। ये जैसे कि लग रहा है कि 5 से 10 kg तो वेट जो है आपका पूट का ही होगा। आप हर एंगल से दिखाने की कोशिश करें आतिक भाई जी। माशाल्लाह ये यूनिक है, मतलब माशाल्लाह इसको इतना बड़ा पूट जो है इस फार्म में अब तक किसी का नहीं है, इसी का है। चलिए मैं ये जानवर को उठाकर आपको दिखाने की कोशिश जी। ये ऑक्स है शब्बीर भाई जी, ये ऑक्स है। अब जो है मैंने जानवर को उठा दिया है तो आपको और अच्छा व्यू मिलेगा, जो कि आप देख पाएंगे जो इसका जो पूट है, अगर इसके हाइट के बाद भी देखिए वो अच्छा खासा 1 फुट के लगभग है। अगर ये आप देखते हैं ये लगभग 1 फुट ऊंचा है फिर उससे, और ये सिर्फ ऊंचा 1 फुट में नहीं है, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 1.5 फुट है। 1.5 फुट जी, ऐसे में 1.5 फुट है, 18 इंच है, ऐसे में 1 फुट है। और ये आप अगर पीछे से दिखाएं, ये वाला जो इसका बॉडी फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाएं, ये मेरा हाथ देखिए कितना छोटा लग रहा है जी, जबकि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जितना छोटा यहाँ लग रहा है। आप इस साइड के एंगल से अगर दिखाएं आतिक भाई आकर, तो पीछे से जो आपको फुट के साथ का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा जी। इस तरफ से आते हैं शब्बीर भाई, और बताइए इसकी खासियत बताइए। पंजाब ब्रीड हो रहा है शब्बीर भाई अभी, ये पंजाब ब्रीड है, और ये पास में ही आपका जो ऑलरेडी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, ये कंग्रेज ब्रीड है। देखिए दोनों ही ब्रीड जो है आपको एक के बगल में दूसरा खड़ा है, दोनों ही को आप मैच कर सकते हैं। दोनों ही के देखिए फूट वगैरह देखें लाजवाब है, ऑलमोस्ट सेम हाइट जी, वेट में ही थोड़ा कम है। ये वेट में कम है लेकिन फूट वगैरह जो है आपका बाजी मार लिया है। और अगर इसको देखिएगा जो शौकीन लोग लुक वाइज जाएंगे तो ये जानवर जो है इसका जो आप ये बहुत भारी है, इसका बहुत बड़ा सिंह है जो कि कंग्रेज का होता ही है, इसमें कोई ये नहीं है। इसको इस तरफ जरा सा पुश कीजिए कि हमारे व्यूअर्स, और इसको 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 जरा सा इधर इधर मारिए, थोड़ा सा मारिए, चले आएगा ये। फिलहाल ये जा रहा नहीं है। देखने में आपको अगर आप नेकेड आई से देखेंगे दोनों आपको सेम ही वेट का लगेगा, सेम ही हाइट का लगेगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे फिजिकली हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ उसका वेट थोड़ा कंग्रेज का ज्यादा है। जैसे कि अगर आप ये टेल देखेंगे, टेल की मोटाई से आपको समझ में आएगा इसका जो टेल का मोटाई बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है जी। लेकिन अगर मंथ में बात करेंगे तो 1-2 मंथ का यहाँ वहाँ होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। शब्बीर भाई इंशाल्लाह हम लोग बाद में इसको खोल के इंडिविजुअल दिखाएंगे जी, जी, जी। आगे हमने अब जो हमने लगभग 3 से 4 सीरीज कर चुके हैं इस फार्म का, आरडी कैटल फार्म का, आगे हम लोग एक एक जानवर जो है इंडिविजुअल निकाल कर आपको दिखाएंगे, क्योंकि जानवर जब निकल कर खुल कर जो दिखता है तो वो देखने का मजा ही कुछ और होता है। बंदा जानवर में आपको वैसा लुक नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का। ये जानवर जो अभी जैसा दिख रहा है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो आप देखिएगा जानवर खुला हुआ दिखेगा। तो ये वीडियो में इतना ही शब्बीर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।